हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. क्या आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है? गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. तो चलिए, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? मेरी जी स्क्रीन मैम. शो हो रही है? जी मैम. ओके. तो मैंने आपसे ये बोला था, आप सभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ के आएंगे. क्या आप पढ़कर आए हैं? यस मैम. यस और नो? मतलब ऑल ओवर तरीके से आप लोग कर आए हैं चैप्टर को. ऐसा करते हैं, मैं इसी चैप्टर को आपको स्टार्टिंग से कंटिन्यू करती हूँ. आपको जो चीजें न्यू लगती हैं आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चाहिए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. अच्छा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. क्या आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं? यस और नो? यस मैम. एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज होते हैं. क्लियर? ओके. यस मैम. देन अगर आपसे बात करें कि जो कौन से चार्जेस होते हैं जो आपस में अट्रैक्ट करते हैं और वो कौन से चार्जेस होते हैं जो आपस में रिपेल करते हैं? Unlike charges मैम attract करते हैं और like charges repel करते हैं. वेरी गुड. तो जो हमारे अपोजिट चार्जेस होते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, ये अपोजिट है. ठीक है, अनलाइक चार्जेस हैं जो कि आपस में क्या करते हैं, रिपेल, सॉरी, अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्जेस. और सिमिलर चार्जेस होते हैं, यानी कि लाइक सेम चार्जेस, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव. दीज चार्जेस रिपेल ईच अदर. क्लियर? अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज, तो ये कौन से चार्ज होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा? प्लस का साइन, नेगेटिव यानी कि माइनस. ठीक है. अच्छा, अगर हम बात करें कि जो हमारी SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो क्या होती है? कूलम. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट होती है वो होती है कूलम. और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम. ठीक है. अच्छा, अगर मैं बात करूं SI यूनिट, SI यूनिट क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता है क्या? हाँ जी, SI की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर आपको पता है तो यस बोलिए, नहीं पता है तो नो बोल सकते हैं, देन मैं क्लियर कर दूंगी आपको. नो मैम. नो, SI होता है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट. क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट. वो यूनिट जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए सेम हो. जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, तो पहले क्या होता था, किसी चीज को मेजर करने के लिए हम अपने हाथों का यूज करते थे, पैरों से फुट के थ्रू मेजर करते थे, राइट? बट वो सारे मेजरमेंट सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट थे. क्या पता किसी का हाथ छोटा हो, किसी का हाथ बड़ा हो, है ना? तो मेजरमेंट हर किसी के लिए डिफरेंट होगा. बट उसके बाद आया हमारा स्केल, मीटर, जिससे कि हम मीटर में कोई चीज मेजर करते हैं और जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए वो जो मेजरमेंट है वो सेम होगा, है ना? तो उसे ही हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट. जैसे कि लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में. क्लियर? तो मीटर उसकी ऐसा यूनिट हो गई लेंथ की. क्लियर? यस मैम. ओके. देन देन अगर हम बात करें जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटोन, राइट? यस मैम. नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटोन. पॉजिटिव यानी कि प्रोटोन के ऊपर क्या चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम. हाँ, पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी आपकी, करेक्ट? क्या आपको क्लियर है ये? ओके. अमन, आपको क्लियर है? यस मैम. ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं. अच्छा, कंडक्टर और इंसुलेटर से आप क्या समझते हैं? कंडक्टर और इंसुलेटर बताइए दोनों. मैम, डेट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो कंडक्टर.
अच्छा ओके एंड इंसुलेटर दैट कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओके और अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की तो क्या आपने सेमीकंडक्टर सुना है यस मैम हाँ जी सेमीकंडक्टर क्या होते हैं मैम दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पार्शियली पार्शियली नाइस यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी समटाइम बी और समटाइम बी नॉट राइट समटाइम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और समटाइम नहीं करते मेनली क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए उसे हम कहते हैं कंडक्टर एग्जांपल तो आप इजीली लिख लेंगे अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन वो कौन सा मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है बहुत ही ज्यादा गुड कंडक्टर है नाम बता सकते हैं मैम कॉपर कॉपर नो कॉपर है सिल्वर 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 वेरी गुड सिल्वर क्या है हमारा गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है और सिल्वर के बाद किसका नंबर आता है मैम कॉपर के बाद गोल्ड एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आयरन आता है कॉपर के बाद Fe गोल्ड तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता ही नहीं है ठीक है हाँ अच्छा अगर हम बात करें इंसुलेटर तो आप बहुत इजीली लिख लोगे इंसुलेटर जो है अच्छा आप सेमीकंडक्टर का एग्जांपल दीजिए मेरे को क्योंकि आपके जो आपको पता है ना आपको मतलब वैसे क्या कहते हैं विशाल आप तो शायद आप कहाँ से थे वैसे आपने बताया था आई थिंक एक बार यस मैम हम दोनों एक ही जगह से हैं अमन और मैं अच्छा आप दोनों एक ही जगह से हो मतलब फ्रेंड्स हो आप दोनों यस मैम ओके ओके चलिए तो आपको पता है ना इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं पैटर्न चेंज हो गया है यस मैम यस मैम हाँ तो आप सभी जो इसके बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन बताते जा रही हूँ वो आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए आप दोनों ने नोटबुक ओपन की हुई है अपनी यस मैम कर रहा हूँ ओके साथ के साथ में नोट करते जाइए ताकि अगर उन क्वेश्चन को आप दोबारा देखें तो वो आपको पता हो हाँ तो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल लिख लो पूछ लिया जाता है कई बारी जो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है वो आप याद रखो जर्मेनियम जीई इसका सिंबल है जर्मेनियम ठीक है जर्मेनियम करेक्ट यस मैम ओके चलिए अच्छा हाँ आपको लास्ट टाइम क्लास में मैंने सैटरडे को ये बताया था ना सैटरडे को नहीं फ्राइडे को कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट जब करंट फ्लो होता है तो उसे ही हम जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसी को ही हम करंट कहते हैं राइट यस मैम तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है वो मूव नहीं कर रहे हैं तो क्या करंट फ्लो नहीं होगा क्या लगता है नो नहीं होगा नो आइडिया चलिए नहीं होगा देखो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को ना टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है इलेक्ट्रिसिटी को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है फर्स्ट है स्टैटिक और सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें कि आपके जो इलेक्ट्रिक चार्ज है यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसे होते हैं रेस्ट में होते हैं और करंट जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में वो क्या होता है जिसमें आपके चार्जेस यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोशन में होते हैं फ्लो कर रहे होते हैं ठीक है अच्छा अगर मैं आपसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल पूछू तो आपको वो याद होगा जैसे कि बच्चे ऐसे करते हैं स्केल को अपने बालों में रब करते हैं देन उससे इलेक्ट्रिसिटी मतलब कुछ इस तरीके का होता है देन पेपर उसके तरफ अट्रैक्ट कर जाते हैं यस मैम वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही एक एग्जाम्पल है ठीक है थंडरिंग हाँ जी थंडरिंग एग्जाम्पल नहीं है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या क्या Handring. Handring.
एक सेकंड, क्या आप ठीक से एक्सप्लेन करोगे मेरे को? थंडरिंग जो बिजली कड़कता है, जो बिजली कड़कती है उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं ना, आई थिंक। वैसे ये भी हो सकता है इसका एग्जांपल आपका क्लाउड वगैरह भी, क्योंकि देखो उसमें क्या होता है कि एक सेकंड, हाँ, उसमें क्या होता है कि जैसे कि जो आपके क्लाउड्स होते हैं देन दूसरा क्लाउड होता है, तो उसमें भी आपके इसी तरीके से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही देखने को मिलती है। ठीक है? यस मैम, मेरी वॉइस आ रही है ना? यस मैम, यस मैम। ओके, देन यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है ऑल? यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको पता है ना, देखो ये अगर हमारा कोई कंडक्टर है, कंडक्टर यानी कि कोई वायर है फॉर एग्जांपल के लिए, इसमें ये क्या है, ये सेल है। क्या आपको पता है सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है? मैम, कैन यू डिफाइन सेल? सिंगल बैटरी को कहते हैं, और बैटरी मैम मोर देन वन सेल। हाँ, मोर देन वन सेल कनेक्टेड ईच अदर, है ना, एक से ज्यादा सेल को अब जब आप एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं बैटरी। और सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? मैम दो टर्मिनल, नेगेटिव और पॉजिटिव, दो टर्मिनल, करेक्ट। और अगर बैटरी की बात करें, बैटरी में कितने टर्मिनल होते हैं? मैम उसमें भी दो होते हैं। उसमें भी दो होते हैं, वेरी गुड, उसमें भी दो ही टर्मिनल होते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको मैंने पिछली क्लास में एक चीज बताई थी कि हम इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को कैसे याद रख सकते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो अगर आपको याद ना रहे ना, तो आप ऐसे याद रखो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये नेगेटिव साइन देख रहे हो, ऐसे याद रखो, ये नेगेटिव से ही चलना शुरू कर देते हैं, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसीलिए नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होके इनका जो साइन है वो कुछ इस साइड आपको एरो देखने को मिल रहा है ना। और जो करंट है वो आपको किस डायरेक्शन में मिलेगा फिर? मैम उसके ऑपोजिट। हाँ, जिस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ना, जस्ट उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है? करंट देखने को मिलता है, करेक्ट। और जो हमारे, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? यस और नो? क्या मैम? हम जो ये इलेक्ट्रॉन है वो किस वेलोसिटी से मूव करते हैं? आपको आता है तो यस बोलिए, नहीं आता तो नो बोल सकते हैं। नो मैम, नहीं आता। नो, इसका आंसर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, DRIFT। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से ये आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मूव करते हैं। क्लियर? यस मैम। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो कि मेन है हमारा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं इसको, है ना। और जो करंट का फॉर्मूला है वो I इज इक्वल टू Q अपॉन में T है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, तो इसको जल्दी जल्दी से खत्म कर लेते हैं क्योंकि ये तो हम पहले ही आपको आता भी होगा। ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या है? एम्पियर। और अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एम्पियर है यानी कि जो करंट है, हम उसको मेजर किसके थ्रू करते हैं? मेजर किसके थ्रू करते हैं करंट को? चलिए देख लीजिए, एमीटर के थ्रू इसको मेजर करते हैं। क्लियर? करंट को किसके थ्रू मेजर करते हैं? एमीटर के थ्रू। एमीटर एक डिवाइस है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं। ठीक है? यस मैम। ओके, देन ये SI यूनिट आपको पता है, करंट की SI यूनिट एम्पियर होती है। ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A। अगर हम एम्पियर का फॉर्मूला आपसे पूछें तो बता सकते हैं? कूलम्ब अपॉन सेकेंड। हाँ, वेरी गुड, यही है आपका इसका आंसर। देन देखो ये क्या है आपका एमीटर, ये क्या है आपका एमिटर है, कुछ ऐसा होता है दिखने में। और ये क्या करता है? करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? करंट को मेजर करता है। और यहाँ पर एक चीज लिख लो जिसको मैं क्लियर थोड़ी देर में करूंगी, ओनली ये लिख लो कि एमिटर को ना हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एमिटर को हमेशा
सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये लाइन नोट कर लो, जब आगे कंसेप्ट आएगा तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? नोट हो गया? यस मैम, यस मैम। ओके ठीक है। ये सिंबल पता है आपको किस चीज का है? मैम रेसिस्टेंस। रेजिस्टेंस, वेरी गुड। यानी कि जो एमिटर है उसको हम हमेशा किससे कनेक्ट करते हैं, मतलब सीरीज में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस के। क्लियर। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? लास्ट क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन ऑफ चार्ज पार्टिकल 1.2 अनदर। नो, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। जो आपने बताया वो पोटेंशियल डिफरेंस है। मैम मैम मैं बोलूं? हाँ जी बताओ। मैम वर्क डन इन मूविंग ए वन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू ए पॉइंट। इनफिनिटी टू अ पॉइंट, ओके। ये तो वैसे यही डेफिनेशन है जो हमने यहाँ पर देखे है ना। वैसे आपको शो हो रहा है ना ये जो लिखा हुआ है? यस। ये पीपीटी आपको शो हो रही है ना? यस मैम। नो? यस मैम, यस मैम। ओके देखो, मेनली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें ना, पोटेंशियल क्या होता है? देखो कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना चाहिए। तो उसको डायरेक्शन कौन दे रहा है? उसको डायरेक्शन दे रहा है पोटेंशियल, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? सॉरी, पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट है। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल वी से। यानी कि वोल्ट एक तरीके से क्या करता है? इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि कितनी स्पीड से या किस डायरेक्शन में इसको जाना चाहिए। क्लियर। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अभी बताया कि द वर्क डन ऑफ चार्ज पार्टिकल 1 पॉइंट टू अनोदर पॉइंट। क्लियर? यस मैम, यस मैम। ओके ओके तो ये इसका फॉर्मूला आपको पता है ऑलरेडी। हाँ, तो जो हमारी इसकी एस यूनिट है वोल्ट की, वो सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस की, वो है वोल्ट। और वर्क डन की एस यूनिट क्या होती है? जूल। जूल। और चार्ज की तो कूलाम होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका कि वो कौन सा डिवाइस है जिससे कि हम पोटेंशियल को मेजर करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं? आंसर, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू से मेजर करते हैं। ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, क्लियर। और इसको ना हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये भी नोट कर लो कि हम जो वोल्ट मीटर है उसको कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ओके यस मैम। ओके नेक्स्ट, ओम्स लॉ क्या होता है? व्हाट इज ओम्स लॉ? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हाँ देखो, इसकी ना आप एक डेफिनेशन याद रखो। देखो, या तो आप ये फॉर्मूला याद रख लो। क्या हुआ? कुछ नहीं मैम। V is directly proportional to I, यानी कि potential difference is directly proportional to the current, ठीक है, at constant temperature। वहां पर temperature क्या होगा? Constant होगा, change नहीं होगा। देखो, या तो आप ये formula याद कर लो, या तो आप देखो इसी से ही आप इसके definition बना सकते हो कि potential difference is directly proportional to the current। और जब ये proportional का मतलब क्या होता है, किसी को इसमें कोई problem है क्या? Directly proportional का मतलब मैम वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से करंट भी बढ़ता है। हाँ, वेरी गुड। यानी कि अगर कोई एक चीज हमारी इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज खुद से ही इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है ना, जो ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। कॉन्स्टेंट चीजें इंक्रीज होती है। ये है आपका वोल्ट, ये है करंट, और ये जो बीच में दिख रहा है ये है आपका रेजिस्टेंस। कैसे आया? देखो, यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल है जब वो हटता है तो कोई ना कोई क्या आ जाता है? कॉन्स्टेंट। इक्वल आएगा तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा आर आई। आर क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। इसको हम सिंपल वे में याद करने के लिए लिख लेते हैं वी इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या होता है डेफिनेशन? हाँ जी,
चलिए मैं बता देती हूँ रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस जो कि करंट का अपोज करता है, यानी कि करंट को आगे नहीं जाने देता प्रॉपर तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि ना ये कोई एक ऐसे एक ये मतलब ये किस तरीके से बना हुआ है, इसके अंदर से ये मतलब थोड़ा सा टाइल्ड है, ठीक है। आप यहां से इसके अंदर से कंचे डालो, क्या डालो, कंचे डालो। कंचे मान लो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एकदम स्पीड में इससे ऊपर से फ्लो करके चले जाएंगे ना, क्लियर। और जो इसको जो डायरेक्शन मिल रहा है थोड़ा सा टेल्ड है, वो तो हो गया, जो पोटेंशियल है वो क्या कर रहा है, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो कंचे एज अ इलेक्ट्रॉन है जो ये इधर से निकल के जा रहे हैं, अगर मैं बोलूंगी यहाँ पर आप छोटे छोटे ऐसे करके कुछ लगा दीजिए, ताकि ये देखो अब ये स्पीड में जा रहे थे पहले, बट यहाँ पर ये आने की वजह से क्या ये स्पीड से जा पाएंगे, यहाँ पर रुकावटें क्रिएट हो गई हैं जिसकी वजह से ये प्रॉपरली ना जा पाए। क्या आप उतनी स्पीड से जाएंगे इलेक्ट्रॉन जैसे पहले जा रहे थे? नो मैम, नो। तो जो इनमें ये रुकावटें आ रही हैं, यानी कि जो अपोजिंग हो रही है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की, उसी को ही हम कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि जो इन इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपर वे में जाने नहीं देता आगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं फैक्टर ऑफ एक्टिंग ऑफ अ रेजिस्टेंस। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिसपे रेजिस्टेंस का इफेक्ट पड़ता है। तो सिंपली याद रखो लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन, ये दोनों ही, इन दोनों का इफेक्ट पड़ता है किसपे, रेजिस्टेंस पे। लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन का इफेक्ट किसपे पड़ता है, रेजिस्टेंस पे पड़ता है, क्लियर। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी कि रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस मैम, यस मैम। ओके, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और लेंथ हम कम कर दें तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन में आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक वायर है, उसकी लेंथ को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना होगा, आंसर बताओ। रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, क्लियर। अगर बोले किसी वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, क्योंकि हमने बोला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ, कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, कंबाइन कर दो, यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए। यहां तक क्लियर है, यस और नो? यस मैम, यस। ओके, जब प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ना कोई क्या आ जाता है, कांस्टेंट, इक्वल टू, और यहाँ पर ये देखो ऐसे करके पी जैसा होता है बट नीचे ऐसे करके टैल्ड हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रॉ, क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं। और दिस रॉ ये जो है ना, ये वैसे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसी को ही हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ये जो रॉ है इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, क्लियर। यस मैम, देखो ये जो रॉ है इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। अच्छा, आपको रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट पता है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम, और अगर पूछूं मैं रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, ओम मीटर, करेक्ट, ठीक है। क्या किसी को यहां तक कोई डाउट है, कुछ रिपीट करना है? नो मैम, नो, ठीक है। इसके बाद है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का हीटिंग इफेक्ट। क्या आप मेरे को बता सकते हैं जो हीटर वगैरह होते हैं, प्रेस होते हैं, उन सब में कौन सी वायर लगी हुई होती है हीट करने के लिए? ये जैसे आपको फोटो डायग्राम में दिख रहा है, कॉपर वायर नहीं, नाइक्रोम वायर, ठीक है, नाइक्रोम की वायर का यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना। हीटर वगैरह में हीटिंग इफेक्ट के लिए कौन सी वायर का यूज करते हैं, नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं, क्लियर। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट अब कैसे होगा, देखो हीटिंग इफेक्ट W इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, इस फॉर्मूले से हम निकालना शुरू करते हैं। W क्या है, यहाँ पे वर्क डन है, Q इज द चार्ज, B इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हमें पता है कि Q हमारा कहाँ से मिलता जुलता लग रहा है हमें, आपको याद है करंट का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी,
है ना, तो यहां से हम क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना क्यू की वैल्यू? क्यू इज इक्वल टू एनी, क्यू इज इक्वल टू आई टी क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं फाइंड करने हैं हमें यहाँ पे अभी, ठीक है? क्यू इज इक्वल टू आई टी, और जो ये यहाँ पर वी है, वी की वैल्यू निकाल लो एज अ किससे, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ में वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, क्लियर है ना? yes, और इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दो इस फर्स्ट वाले इक्वेशन के अंदर, ठीक है? और जब आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, जो वर्कडन है वहीं पर हमने क्या लिया है, जितना वर्कडन होगा उतनी ज्यादा हीट होगी, है ना? जितना ज्यादा वर्कडन होगा उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दिस इज अ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है? यस मैम। रिपीट करना है? नो मैम। नो। अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू वी आई। अब यहां से आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे दे आप उसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो अगर वहां पे आपसे रेजिस्टेंस पूछ लिया, पावर भी दे रखा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे पावर का फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा था, रेजिस्टेंस कहाँ से आ गया? तो आप इस आई की जगह पर या वी की, देखो आई तो हो जाएगा क्यू अपॉन में टी, अगर चार्ज जैसी चीजें पूछी पावर के साथ, तो आई की जगह पुट कर देना, क्या पुट करोगे, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। और अगर आपसे इसके साथ साथ रेजिस्टेंस पूछ ले कि भाई रेजिस्टेंस भी बताओ, तो उसमें हम वी को चेंज कर देंगे आई आर से, तो यहाँ पे हो जाएगा आई स्क्वायर आर, है ना, आई स्क्वायर आर। तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इन फॉर्मूलेस को चेंज कर सकते हो, क्लियर? नेक्स्ट हमारे लास्ट दो टॉपिक बचे हैं, जो कि है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, इनसे न्यूमेरिकल भी आते हैं, है ना? तो जो रेजिस्टेंस इन सीरीज है, सीरीज का मतलब आप क्या समझते हैं सीरीज से? बताइए। एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। हाँ, एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। अगर आपको ये याद ना रहे कि सीरीज वाले में क्या कर रहा है, तो ऐसे याद रखिए, देखिए आपको याद होगा जब स्कूल में आप टेस्ट वगैरह देते हैं, कुछ होता है तो टीचर आपसे कहते हैं ना, सभी बच्चे एक सीरीज में बैठ जाओ, यानी कि सभी बच्चे एक लाइन में बैठ जाओ, वैसे ही आप इन रेजिस्टेंस को एक लाइन में कनेक्ट कर दो, ठीक है? चलो अगर हम बात करें कि इन सारे रेजिस्टेंस को आपने एक लाइन में कनेक्ट करा, ये कितने रेजिस्टेंस हो गए, दो, और ये कितने रेजिस्टेंस हो गए, तीन रेजिस्टेंस हो गए आपके कनेक्ट, देन यहां हमने लिया सेल, देन ये इस तरीके से हो गया कनेक्ट, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये होगा नेगेटिव। अच्छा, जहां पर आपको ना समझ आए मेरे को वहीं पर ही रोक देना, ठीक है? ये है हमारा R1, ये है हमारा R2, ये है हमारा क्या R3, R3, ठीक है? देन इसके बाद जो हमारा ये करंट है वो किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि एक सेम कांस्टेंट करंट होगा जो सारे रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो करके जा रहा होगा, क्लियर? यस मैम। ओके, देन यहां पर जो फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस है इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी वन, सेकेंड वाला रेजिस्टेंस है उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी टू, थर्ड वाला रेजिस्टेंस है इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी थ्री हो जाएगा, ठीक है? तो अगर मैं आपसे बोलूं, देखो मैं आपसे यहाँ ये नहीं कह सकती कि बताइए टोटल करंट, क्योंकि टोटल करंट तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा, बट मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि बताइए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसके अंदर। तब आप क्या करेंगे, एक बड़ा वाला वी लेंगे और इन सबको इक्वल में टोटल करके शो कर देंगे, यानी कि वी वन, वी टू और वी थ्री, ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है आपके ऑल टोटल। बट ये तो हमारा रिजल्ट नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मेरे को वी की वैल्यू बताओ फटाफट। वी इज इक्वल टू आई इनटू आर, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है? वी इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं आपसे पूछू, देखो ये तो आपकी फर्स्ट वाली वैल्यू हो गई, यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट हो गई हमारे पास। अगर हम बात करें वी वन की वैल्यू, तो वी वन की वैल्यू क्या होगी, V1 की जो वैल्यू है वो आई आर वन, हमने आई वन क्यों नहीं लिखा,
आई तो कांस्टेंट है, आई एक ही है। हाँ क्योंकि आई कांस्टेंट है सेम है, इसलिए हमने आई वन नहीं लिखा। और ऐसे ही वी टू के लिए लिख लेंगे, वी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर टू। अगर आपको ये कंफ्यूजन है ना कि वी टू की जगह पर आई आर टू क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ये जो आर टू है सेकेंड रेजिस्टेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी टू है। आई थ्री जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी थ्री है, यानी कि ऐसे ही आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वी थ्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू आर थ्री। क्लियर? देन अब ये जो तीनों इक्वेशन, चारों इक्वेशन आपके पास निकल के आई हैं, इन सब की वैल्यूज को आप पुट कर दो फर्स्ट वाले इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर यानी कि, ठीक है। जब आप इसके अंदर पुट करोगे तो क्या आएगा, बी की जगह पर सॉरी आप रख दोगे आई आर, और वी वन की जगह पर क्या रख दोगे आई आर वन, और इसके जगह पर रखोगे आई आर टू, देन आई आर थ्री। क्लियर? देन यहां से क्या हम आई को कॉमन ले सकते हैं, यस और नो? यस मैम। हाँ आई को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें यहां पर अंदर बचेगा क्या, आर वन आर टू और आर थ्री, राइट? और यहां से ये आर से आर आई आई कैंसिल हो जाएगा, आर यहाँ पे आएगा एस, यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, ये हमारा बन गया किसका फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इन सीरीज का। सीरीज क्लियर? रेजिस्टेंस इन पैरेलल आता है या डिफाइन कर दें? कर दीजिए। ओके, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल में क्या है कि हम एक के नीचे दूसरे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। और आपने क्या देखा, देखो ये तीनों यहां से स्टार्ट हैं और यहीं पर ही खत्म है, तो इन सभी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी होगा, करेक्ट? और करंट, अब देखो करंट का यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। देखो जैसे करंट इस पॉइंट तक पहुंचेगा, जैसे ही आपका करंट इस पॉइंट तक पहुंचा, तो यहाँ पर एक करंट, ये जो करंट है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ना। फर्स्ट रेजिस्टेंस में जो करंट है वो है आई वन, सेकेंड रेजिस्टेंस में जो करंट है वो है आई टू, थर्ड रेजिस्टेंस में जो करंट है वो है आई थ्री। देन जब ये सारे करंट यहाँ पर जाएंगे फ्लो होके लास्ट तक पहुंचेंगे, तो ये तीनों करंट कंबाइन हो जाएंगे, यानी कि आई वन आई टू और आई थ्री, ये तीनों करंट कंबाइन होके क्या बन जाएंगे, आई बन जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में स्प्लिट भी इसी तरीके से हुए थे। देन अगर हम बात करें कि इसका जो है फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखो अब इसके अंदर मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, करंट, क्योंकि करंट इसमें क्या है, डिफरेंट है। आई इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, सारे करंट को इक्वल करके रख देंगे, यानी कि आई वन आई टू और आई थ्री। क्लियर? तो जो ये है, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई की वैल्यू क्या होगी बताओ, I is equal to, यानी कि V is equal to I R होता है, हाँ, तो I की वैल्यू V upon में R हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू है, हमारी I की वैल्यू है, और I1 की वैल्यू क्या होगी फिर, I1 is equal to V upon में R1, I2 क्या होगा, V upon R2, R2, हाँ, और ऐसे ही हम I3 निकाल सकते हैं, यानी कि V upon में आर थ्री। क्लियर? और ये सारी वैल्यूज आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा v अपॉन में r, आगे वाले में हो जाएगा v अपॉन में r1, नेक्स्ट हो जाएगा v अपॉन में r2, नेक्स्ट हो जाएगा v अपॉन में r3। क्लियर? देन इसके बाद हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, v, v अंदर क्या बचेगा, वन अपॉन में r1 प्लस वन अपॉन में आर टू प्लस वन अपॉन में आर थ्री। देन वी से वी हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, वन अपॉन में आर पी, यानी कि पैरेलल। और ये सारी चीजें एज इट इज आ जाएंगी। ये हो गया हमारा किसका फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। देन अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पुट अप करना चाहूं कि जो हमारा बल्ब होता है, बल्ब सबने देख रखा है ना, बल्ब, यस मैम, बल्ब के अंदर एक ना वो वायर लगी हुई होती है, आप सभी ने देखी ऐसे करके, ये वायर, ये किस चीज की बनी हुई होती है, किस चीज की होती है वायर, टंगस्टन। यहाँ पर हम टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है।
हाँ मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा होता है, और प्लस में जब ये हीट होता है ना टंगस्टन, तो ये व्हाइट ग्लो प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, टंगस्टन का यूज करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्स 3500 यानी कि 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ये याद रख लेना। और इस चैप्टर से और कोई डाउट वगैरह है, वैसे आई थिंक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं छूटा है इसमें से। और बाकी एक काम करना आप सभी जो इनके क्वेश्चंस है ना कल, हाँ और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी अब क्लास है साइंस की वो अब डेली हुआ करेगी सेम टाइम पे 7:30 बजे, हो सकता है 5 मिनट लेट हो जाए, और ये क्लास हमारी डेली होगी अब, ठीक है। और ये आप दोनों उस ग्रुप में ज्वाइन है क्या, मतलब जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं वो सभी टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन है क्या? यस मैम। तो मैम मतलब आप सभी को फिर लिंक कैसे पता चलता है क्लास का? मैम विशाल भेजता है। अच्छा ओके चलो कोई नहीं, ओके तो कोई बात नहीं, आपसे मतलब या तो आप ज्वाइन हो जाइए, जैसे भी शेयर कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लिंक जो है डेली शेयर कर देना, आप क्लास डेली हुआ करेगी। क्लियर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? मेरी वॉइस आ रही है आपको?